आज तीसरा चैप्टर हम डालेंगे, आप लोगों को बताएंगे आनुवंशिकी। इतना तो हम लोग जानते हैं कि आम के वृक्ष में आम ही उत्पन्न होता है, बेर के वृक्ष में बेर ही उत्पन्न होता है। अर्थात जो लक्षण किसी जीव में उपस्थित होते हैं वो अगली पीढ़ी में यानी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इसे हम लक्षणों का स्थानांतरण भी कह सकते हैं और एक टर्म दे सकते हैं, एक शब्द दे सकते हैं, हेरिडिटी या आनुवंशिकी। अर्थात माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम आनुवंशिकी कहते हैं। और ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं या ट्रेट कहते हैं। सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल, विख्यात वैज्ञानिक हैं, प्रख्यात भी कह सकते हैं, जिन्हें हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, उन्होंने मटर के पौधे, मीठी मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया। वो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चर्च में पादरी थे। प्रकृति के विषय में उनका ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने मीठी मटर के पौधों पर प्रयोग किया और ये बताया कि किस प्रकार से लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतर होता है। तो इस आधार पर, अपने प्रयोग के आधार पर, उन्होंने 7 लक्षणों को लेकर के चुना और प्रयोग किया और 3 निष्कर्ष पर पहुंचे। और उन्होंने अपना निष्कर्ष नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे हम पहला नियम है, जिसे हम प्रभाविता प्रभाविता का नियम कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। डोमिनेंस मतलब प्रभावशाली। अब इसमें उन्होंने बताया, जब किसी पौधे यानी कि दो विपरीत गुण वाले लेकिन सत्य ब्रीडिंग वाले या सत्य लक्षण वाले लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, तो केवल प्रथम पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखाई देते हैं, दूसरा छिपा रहता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है, साथ साथ रहते हुए दिखाई नहीं देता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो उन 7 लक्षणों में से एक लक्षण टाल का लिया, यानी टाल को हम कैपिटल टी से होमोलागस है, कैपिटल टी से इंगित करते हैं, और ड्वार्फ को स्मॉल टी से इंगित करते हैं। जब इनका प्रजनन कराया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो ये इसे हम T1 प्लांट कहते हैं, पैरेंट। एक तो मेल रहेगा, दूसरा फीमेल रहेगा। चाहे इसको मेल मान सकते हैं, चाहे इसको मेल मान सकते हैं, चाहे इसको मेल मान सकते हैं, चाहे इसको मेल मान सकते हैं। तो एक मेल रहेगा, दूसरा फीमेल रहेगा। तो इन्होंने जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में जो निष्कर्ष आया वो F1 जनरेशन, F1 का मतलब होता है फिलियल जनरेशन। आप देख रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो कारकों या जीन का क्रम है वो प्रभावी और अप्रभावी का है, इधर भी प्रभावी और अप्रभावी का है, लेकिन जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। अर्थात ये टाल यानी प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे गुण वाले होंगे। तो मेंडल के निष्कर्ष के अनुसार जब हम किसी दो सत्य ब्रीडिंग वाले या ट्रू ब्रीडिंग पौधे का क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण साथ साथ रहते हैं, अपने लक्षणों को उत्पन्न नहीं कर पाते, उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी को मेंडल ने प्रभाविता
और अप्रभाविता के नियम के रूप में प्रतिपादित किया, अर्थात इसे हम लाभ डोमिनेंट कहते हैं। तो ये प्रभाविता का नियम है। आपको प्रश्न पूछना है तो फोन पर पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी इसमें परेशानी होगी आप पूछ सकते हैं। दूसरा नियम इन्होंने प्रतिपादित किया लाभ सेग्रीगेशन, लाभ सेग्रीगेशन या पृथककरण का नियम। हिंदी में पृथककरण का नियम, इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं या पृथककरण का नियम भी कहते हैं या लाभ सेग्रीगेशन कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम प्रथम पीढ़ी के लक्षणों का स्वपरागण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में ये लक्षण अपने प्रभाव को उत्पन्न नहीं कर पाए हैं, लेकिन इनका जो गुण है वो समाप्त नहीं होता है। इनको हम इंटर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी यानी सभी लक्षण लंबे वाले हैं, इनका इंटर क्रॉस कराते हैं तो जो लक्षण कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इनमें लंबे हो गए टाल, ये भी टाल रहेंगे और ये द्वार, अर्थात इनका जो अनुपात होता है 3:1 का अनुपात होता है जो दिखाई देता है उसे हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं या दृश्य अनुपात कहते हैं। अर्थात पृथककरण के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण किसी प्रभावी लक्षण के साथ रहते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं या उनका गुण समाप्त नहीं होता है। जब वो युग्मक बनाते समय अलग होते हैं तो लक्षण को अपने प्रकट करते हैं, किसी को हम लाभ सेग्रीगेशन या लाभ प्योरिटी या शुद्धता का नियम कहते हैं। इन तीन नियमों दो नियमों पर, एक तो पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथककरण का नियम, फिर से एक समरी सुन लीजिए। मेंडल ने प्रभाविता के नियम में निष्कर्ष निकाला जब किसी शुद्ध नस्ली पौधे को आपस में संकरण कराया जाता है, दो शुद्ध नस्ली यानी कि टाल ये भी शुद्ध नस्ली है, ड्वार्फ ये भी शुद्ध नस्ली है, दोनों का स्वपरागण कराया जाता है या संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे दिखाई देते, अर्थात जो लक्षण प्रभावशाली होता है वो दिखाई देता है, जो लक्षण प्रभावशाली नहीं होता है अर्थात रिसेसिव होता है वो लक्षण दिखाई नहीं देता है, इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा है। पृथककरण के नियम में फिर से सुन लीजिए, पृथककरण के नियम में मेंडल का कहना है कि साथ साथ रहते हुए भी ये लक्षण यानी ड्वार्फ का लक्षण नष्ट नहीं होता, अपने प्रभाव को नष्ट नहीं करता है या उनका प्रभाव नष्ट नहीं होता है। जब वो युग्मक बनाते समय किसी उसमें अलग होते हैं, इनका स्वपरागण कराया जाता है, युग्मक बनते समय अलग होते हैं तो अपने लक्षण को दिखाई देते हैं या दर्शाते हैं तो इसे हम लाभ सेग्रीगेशन या लाभ प्योरिटी या शुद्धता का नियम कहते हैं। तो दो नियम आपको दर्शाए गए, एक तो प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथककरण का नियम। धन्यवाद।